लॉकडाउन इंडिया में जब पहला लगा उससे एक साल पीछे हुआ प्रोग्राम। इस मदरसे में उसके बाद लॉकडाउन इंडिया से ख़त्म होने के बाद आज प्रशासन द्वारा और शासन द्वारा नियमों का पालन करते हुए यह प्रोग्राम दिन में रखा गया। सुबह से लेकर दोपहर 1 बजे तक प्रोग्राम सम्पन्न हुआ। इस प्रोग्राम में दूर से आए हुए कई लोग जैसे कि मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, बिहार, अन्य इलाकों से बड़े बड़े इल्म के खलीफा इस ज़मीन पर, ग्राम सभा मेहा हरहंगपुर के ज़मीन पर आकर पूरे हिंद के लोगों को बधाई और धन्यवाद दिए। आप देख रहे हैं दिव्य भारती समाचार, देवरिया पूर्वांचल उत्तर प्रदेश। मैं अब्दुल्ला खान, हम इस वक्त देवरिया जिले के पथरदेवा विधानसभा के अंदर मौजूद है ग्राम सभा मेहा हरहंगपुर में। ये जाना माना एक मदरसा है, बहुत पुराना और बहुत ही बड़ा मदरसा है और इस मदरसे में आज एक प्रोग्राम हुआ है। उसी प्रोग्राम के बारे में आइए हम यहाँ के जाने माने जो भी उस्ताद है और मदरसे के जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, मेरा नाम नियाज अहमद जी। तो जैसे आज जो ये प्रोग्राम हुआ है तो इस प्रोग्राम के बारे में आप कुछ बता दीजिए। ये प्रोग्राम जो है दस्तारबंदी का जलसा था और दस्तारबंदी इसलिए दी जाती है कि एक सनद दी जाती है बच्चों को हिफ्ज़ की तकमील की और ताकि आवाम भी जान जाए कि हाँ इन बच्चों का जो है हिफ्ज़ कुरान जो है मुकम्मल। ये जैसे कितने दिन पे जैसे आप ये कराए हैं? ये जलसा तो हमारा जो है 5 साल बाद हुआ है, 5 साल के बाद 2017 में हुआ था जलसा और फिर उसके बाद से लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन में मदरसे भी बंद थे, सभी चीजें बंद थी, यानी समझ लीजिए लॉकडाउन से पहले जो हुआ था उसके बाद से ये आज आप लोगों ने था। और अल्हम्दुलिल्लाह लॉकडाउन से पहले जो जलसा 2017 में हुआ था वो 167 बच्चों की दस्तार बंदी हुई थी और इस जलसे में अल्हम्दुलिल्लाह 121 बच्चों की दस्तार बंदी। जैसे कि इस बार इस मदरसे से कितने बच्चे कामयाब आपके, यानी 121 बच्चों की दस्तार 121। तो यानी यहाँ पे सिर्फ इल्म के ही बारे में है पढ़ाई और इल्म और नहीं इल्म जो है इल्म कुरान है, इल्म हदीस है, उसके अलावा जो है असरी तालीम भी देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें इंग्लिश है, मैथ है, साइंस है, विज्ञान, हिंदी वगैरह और भी तालीम दी जाती है। जैसे कि आपने देखा है कि ये लॉकडाउन से पहले यहाँ पे एक बार प्रोग्राम हुआ था, उसके बाद से कोई हुआ नहीं प्रोग्राम क्योंकि लॉकडाउन की वजह से और जो भी यानी शासन के जो भी यानी नियमों है नियमों अनुसार आज इन्होंने किया है जो प्रोग्राम और बच्चों की कामयाबी पे जो बधाई दी गई है और जो बच्चों को यानी जिस तरीके से भी यानी खुश किया गया है देखने में और जो भी लोग आए बहुत दूर दूर से यहाँ पे मेहमान आए हुए थे। और ये मदरसा जैसे मदरसे के बारे में तो कई बार हमने दिखाया है, कई चैनलों पे भी दिखाया है, मगर इस बार जो है यहाँ पे इतनी भीड़ क्योंकि दिन में ये प्रोग्राम हुआ, कभी दिन में प्रोग्राम नहीं होता था, रात में ही ये प्रोग्राम होता था। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।